हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बूरा, जो कि बहुत सारे इंडियन स्वीट डिशेस में यूज़ होता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए शक्कर 1 कप, पानी 1/3 कप और घी साथ में थोड़ा सा हमें चाहिए 2 टीस्पून करीब। सबसे पहले हम अपने कढ़ाई में 1 कप शक्कर डाल देते हैं, उसी में 1/3 कप हमने पानी मिला दिया है। अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। पहले ये शक्कर घुल जाएगी, फिर हमें इसे जब तक पकाना है तब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। ये देखिए, हमारी शक्कर अब पूरी तरह से घुल चुकी है। अब 5-7 मिनट में ही इसमें उबाल आने लग जाएगा। उसके बाद ये चाशनी धीरे धीरे गाढ़ी होने लग जाती है। हमें इसे सब तरफ से हिलाते हुए पकाना है, साथ में इसकी साइड्स को भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर ये साइड्स में चिपक के जम जाएगी साइड्स में, इसलिए हमें सब तरफ से इसे बराबरी से चलाते रहना है। ये देखिए, अब इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, स्पेशली साइड्स से भी निकालते जाइए, नहीं तो ये साइड्स में बहुत जल्दी चिपक जाएगी और बाद में सूखने के बाद निकालना मुश्किल हो जाता है उसे। आजकल हमें शक्कर बाज़ार में साफ़ मिलती है, उसका बूरा भी बिल्कुल साफ़ ही बनेगा। पहले के ज़माने में जो शक्कर गंदी आती थी, तभी ये बूरा बनाते हुए इसकी पहले शक्कर घुलने के बाद इसे छानना पड़ता था, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। इस घर के बूरे से बने हुए जो बेसन के लड्डू वगैरह होते हैं, उसका स्वाद ही अलग होता है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिए। ये देखिए, अब हमारी चाशनी गाढ़ी होने लगी है। अब हम इसमें जो घी निकाल के रखा था हमने करीब 2 टीस्पून, वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो हमारा बूरा होगा वो खिला खिला बनेगा, आपस में चिपकेगा नहीं। अब इसे गाढ़ा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये गाढ़ा होके तुरंत जमने लग जाता है, इसलिए हम इसे गैस से उतार के नीचे ही ठंडा होने तक चलाते रहेंगे। ये देखिए, बूरा अब गाढ़ा होने लगा है। हम इसे लगातार सब तरफ से चलाते रहेंगे और गैस मैंने अब ऑफ कर दी है। इसे चलाते रहिए फिर भी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही ड्राई होने लग जाता है। साथ में जो शक्कर अब जम रही है, इसे भी लगातार फोड़ते हुए चलाते रहिए, ताकि इसमें कोई ढेला ना बने, क्योंकि हमें शक्कर पीसी हुई ही चाहिए, इसमें कोई ढेला नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपके शक्कर में थोड़े बहुत दाने से रह जाते हैं और आपको बहुत ही फाइन शक्कर चाहिए, तो आप उसे छलनी में छान भी सकते हैं। ये देखिए, अब हमारा बूरा बनके तैयार हो गया है। आप इसे एक ही बार में ज़्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि अगली बार आपको स्वीट डिश बनाते समय दोबारा बूरा ना बनाना पड़े। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।